बता दें कि शंकर सिंह 2000 में राजनीति आए, इससे पहले वो लिबरेशन आर्मी के अध्यक्ष हुआ करते थे और 2000 में वो राजनीति में आए। 2005 के उपचुनाव में वो पहली बार लोजपा के सीट से रुपौली विधानसभा से जीते थे। हालांकि मात्र 13 दिन तक ये रहा था और उस वक्त पहली बार वो मैदान में आए थे और वो जीते थे। उसके बाद से लगातार वो चुनावी मैदान में थे और पिछले चुनाव की बात करें तो लगभग 20,000 वोट से वो बीमा भारती से हार गए थे, दूसरे स्थान पर थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, अपना धैर्य नहीं छोड़ा, वो लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में हमेशा लगे रहे। जनता की कोई भी परेशानी होती थी, कहीं भी कोई बातें होती थी, क्योंकि हम लोग लगातार फील्ड में जाते थे तो जनता कहती थी कि हम लोग वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। ऐसे में जनता हमेशा उनके साथ रही और जनता ने उनको अपना वोट दिया, क्योंकि शंकर सिंह भी लगातार जनता के साथ रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज विधानसभा उपचुनाव हुआ है। हालांकि कुछ ही महीने का ये उपचुनाव है, इसके बावजूद भी शंकर सिंह इस बार दूसरी बार विधायक बने हैं। जी तो प्रवीण, देखिए सातवें राउंड के बाद ही शंकर सिंह ने बढ़त बनानी शुरू की और ये कन्वर्ट हो गया जीत में। तो जीत चुके हैं, अब इसके बाद क्या लग रहा है कि वहां पर जश्न की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी थी? क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके का माहौल है? अब शंकर सिंह के हाव भाव से या उनकी पत्नी पहले से ही इस चीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंस में थी कि उनकी जीत होगी और उनके समर्थक भी काफी कॉन्फिडेंस में थे। शुरुआती छह राउंड तक जो मतगणना हुआ उसमें जदयू प्रत्याशी आगे रहे, हालांकि शंकर सिंह लगातार पीछे बने रहे और सातवें राउंड से शंकर सिंह आगे बढ़े और फिर वो कभी भी पीछे नहीं हुए और 12वां राउंड जो फाइनल राउंड रहा है, फाइनल राउंड में शंकर सिंह ने जीत हासिल की और 8211 वोट से शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। लगातार वो बढ़त अपना बनाए हुए थे और फाइनल राउंड में उनकी जीत घोषणा हो चुकी है, जीत पर मुहर। बिल्कुल, तो शंकर सिंह ने अपनी जीत जो है वो दर्ज की है, निर्दलीय के तौर पर उन्होंने जीत अपनी दर्ज की कर ली। आनंद अमृतराज हमारे